that recruitment has come down because, as I said earlier, you pick up a gun, you are dead. Unless you surrender. तो अब कश्मीर में मौजूद देश विरोधी ताकतें सावधान हो जाएं। भारतीय सेना की सीधी चेतावनी को वो गौर से सुन लें। सेना ने घाटी की माताओं से अपील करते हुए कहा है कि वे अपने बच्चों को आतंक के रास्ते पे जाने से रोकें। ऐसा करने वालों को सरेंडर करने के लिए कहें। जो भी शख्स सेना के खिलाफ बंदूक उठाएगा वो मारा जाएगा। पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड को 100 घंटे के भीतर ढेर कर दिया गया। सेना ने कहा कि ऐसे कितने गाजी आए और चले गए। इतना ही नहीं, सेना ने आतंकियों को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जो भी आतंकी घाटी में घुसेगा वो जिंदा बचकर नहीं जा सकेगा। 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में है। पीएम मोदी ने कश्मीर में भारतीय सेना को खुली छूट दिए जाने का ऐलान कर दिया है। कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, वो भी स्वाभाविक है। हमारे सुरक्षा बलों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई है। जो आग आपके दिल में है वही आग मेरे दिल में भी। सेना ने इलाके में जोरदार अभियान चलाया। पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड माने जाने वाला कामरान उर्फ इमरान गाजी राशिद को सेना ने मुठभेड़ के दौरान मार गिराया। हालांकि इस दौरान 5 सुरक्षा बल शहीद भी हो गए। सेना का दावा है कि कश्मीर में जैश के सारे कमांडर ढेर किए जा चुके हैं। आने वाले दिनों में सेना किसी भी तरह के रहम के मूड में नहीं है। अब घाटी में सक्रिय आतंकी अपनी खैर मनाएं।